मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक वकील साहब का घर अचानक सुर्खियों में आ गया। उनकी वजह से नहीं बल्कि उनकी पत्नी की वजह से। दरअसल वकील साहब लापता थे मगर उनकी पत्नी जब किचन में चिकन बना रही थी पति वहीं था। संडे को पास्ता बना तब भी पति वहीं था। बच्चों के लिए नूडल बना पति वहीं था। जब दाल भात बन रहा था तब भी पति वहीं था। मगर ना उसने उन पकवानों को चखा ना ही उसे उसकी खुशबू ही आई, क्योंकि वो वहां था तो जरूर मगर मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक लाश की शक्ल में। उसकी लाश के ऊपर एक स्लैब बना हुआ था। उसकी पत्नी वही रोज कभी चिकन बनाती, कभी पास्ता, कभी नूडल तो कभी दाल भात। उसकी चारों बच्चियां भी मिलकर खाना खाती। इस बात से अनजान होकर कि ये खाना उनके पति की लाश पर चूल्हा रख कर बनाया जा रहा है। पत्नी रोज पुलिस थाने में जाकर अपने पति महेश के बारे में पूछती थी, जो एक महीने से लापता था। जवाब मिलता था, तलाश जारी है, मिलेगा तो बता दिया जाएगा। देखते ही देखते एक महीना बीत चुका था, ना कोई खबर लगी ना पता चला। फिर एक रोज पुलिस महेश के ही मकान में धड़धड़ाते हुए घुस गई। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ और घुसते ही घर में बने किचन के स्लैब को खुदवाना शुरू कर दिया। मिट्टी के स्लैब को खोदने में मजदूरों को ज्यादा मशक्कत नहीं लगी और थोड़ी ही देर में पूरा स्लैब खोद डाला गया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई उसमें से बाहर आई एक महीने पुरानी सड़ चुकी वकील महेश की लाश। सवाल ये था कि आखिर प्रमिला के पति महेश को किसने इस बेरहमी से मारकर उसी के घर में दफनाया था, और वो भी किचन के अंदर जहां उसकी पत्नी पिछले एक महीने से खाना बना रही थी। ये खबर जैसे ही बाहर आई कि महेश को उसी की पत्नी प्रमिला ने मारकर अपने ही किचन में दफन कर दिया, पूरा इलाका उसके घर के बाहर जमा हो गया। लोग हैरान थे कि जो प्रमिला अपने गुमशुदा पति के बारे में पता लगाने के लिए पिछले एक महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, उसने दरअसल खुद ही उसे मारकर अपने किचन के अंदर गाड़ दिया था। और वो एक महीने से वो उसी की कब्र पर खाना बना भी रही थी और खा भी रही थी। पुलिस भी पिछले एक महीने से परेशान थी कि आखिर पेशे से वकील महेश अचानक लापता कहां हो गया है। वो उसे आसपास के इलाकों में ढूंढ रही थी मगर महेश तो अपने ही घर के किचन में जमीन के अंदर दफन था। प्रमिला ने अपना जुर्म कबूल करने में जरा भी देर नहीं लगाई मगर सवाल ये था कि आखिर चार बच्चियों की माँ प्रमिला ने अपने ही पति को मारा क्यों, और क्यों उसने इस दर्दनाक तरीके से उसे अपने किचन के अंदर दफना दिया, और कैसे वो उसी कब्र पर रखे चूल्हे से बने खाने को खुद भी खा रही थी और अपनी बच्चियों को भी खिला रही थी। अब सवाल ये है कि प्रमिला ने आखिर लंबे चौड़े महेश को मारा कैसे, और क्या उसे मारते हुए उसकी बच्चियों ने देखा भी नहीं। फिर उसने कैसे अपने ही किचन में महेश को दफनाया। इसमें कोई शक नहीं कि प्रमिला जैसी कद काठी की महिला के लिए अपने पति को मारना और फिर उसे किचन में गड्ढा खोदकर गाड़ देना आसान नहीं रहा होगा। मुमकिन है कि इस काम में किसी ने प्रमिला का साथ भी दिया होगा। मगर उसके जेठ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि महेश को मारने और उसे किचन में गाड़ने में उनका कोई रोल नहीं है। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या वाकई ही प्रमिला ने इस वारदात को अकेले अंजाम दिया या फिर इसमें किसी और का भी हाथ था। महेश का गायब हुए एक महीने बीत चुके थे मगर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। महेश की मौत के बाद उसके बड़े भाई अर्जुन कई बार उसके घर गए मगर हर बार महेश की पत्नी प्रमिला ने उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया।
प्रमिला की यह हरकतें शक पैदा कर रही थी। महेश के बड़े भाई अर्जुन को दाल में कुछ काला नजर आया और उन्होंने पुलिस के सामने प्रमिला पर शक जाहिर किया। अर्जुन की शिकायत पर नजदीकी थाने की टीम महेश के घर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही पूरे घर से एक अजीब गंध का एहसास हुआ। जैसे जैसे पुलिस की टीम घर के अंदर दाखिल होती जा रही थी, वैसे वैसे दुर्गंध तेज होती जा रही थी। पुलिस को किचन के अंदर कुछ शक पैदा हुआ और जब किचन में गंध वाली जगह को खोदा गया तो उसमें महेश के शव को देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस का पहले शक प्रमिला पर था और वो सही भी था। प्रमिला ने भी अपना जुर्म कबूलने में देर नहीं की, मगर उसने इस वारदात में महेश के दूसरे बड़े भाई गणाराम का नाम लेकर मामले को उलझा दिया है। अब पुलिस इस मर्डर केस में गणाराम के रोल की तफ्तीश कर रही है। पति को मारकर उसकी लाश पर खाना बनाने वाली पत्नी ने लोगों को हैरान कर दिया है।